पवन सिंह की हीरोइन को किसने मारा झन्नाटेदार थप्पड़, हसीना को पड़े थप्पड़ तो लोगों ने क्यों लिए मजे। पवन सिंह के साथ फिल्म प्रतिज्ञा और मुकाबला में काम कर चुकी एक्ट्रेस पाखी हेगड़े को कौन नहीं जानता। बेशक अब पाखी ज्यादा फिल्में ना करती हूँ, लेकिन बावजूद इसके वो सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहती हैं। और अब उन्होंने अपने अकाउंट पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्हें एक शख्स जोरदार थप्पड़ मारता नजर आ रहा है। अब पाखी को किसने ये थप्पड़ मारा और लोग उन पर क्यों हंस रहे हैं, ये माशरा भी समझाते हैं आपको। दरअसल पाखी का ये वीडियो एक कॉमेडी वीडियो है जिसे उन्होंने अपने टिकटॉक अकाउंट पर बनाया है। इस वीडियो में पाखी एक क्लास में बैठी हुई दिखती हैं। शुरू में उनका चेहरा देखने से ऐसा लगता है कि वो सो रही हैं। पीछे से किसी की आवाज आती है जो कि टीचर की भूमिका में है। वो कहता है कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। इसी बीच टीचर देखते हैं कि पाखी सो रही है। वीडियो में दिखता है कि पाखी को जोरदार थप्पड़ लगता है और वो अब गंभीर से दिखती हैं। नींद खुलते ही टीचर पूछते हैं कि बताओ अभी क्या पढ़ाया। बहुत मासूमियत से पाखी जवाब देती है, दिल्ली में कुत्ता बीमार है। जरा आप भी देखिए इस मजेदार वीडियो को जो पाखी ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। बच्चों दिल्ली में कुतुब मीनार है, पढ़ने आता ही है सोने? पढ़ने। मैंने क्या पढ़ाया अभी? सर दिल्ली में कुत्ता बीमार है। अब समझे ना आप कि पवन की हीरोइन पाखी को किसने और क्यों थप्पड़ मारा। अब जैसे ही पाखी ने इसे शेयर किया तो लोगों को भी उनका ये फनी अंदाज काफी पसंद आया और उन्होंने इस पर खूब मस्ती भरे कमेंट्स भी किए। आपको बता दें कि पाखी हेगड़े की जोड़ी एक वक्त निरहुआ के साथ खूब जमती थी। उन्होंने निरहुआ रिक्शे वाला, परिवार, विदेशियां और शिवा जैसी कई फिल्मों में निरहुआ के साथ काम किया। कुछ टाइम फिल्म करने के बाद वो इस इंडस्ट्री से गायब भी रहे। कई साल भोजपुरी इंडस्ट्री से दूर रहने के बाद वो एक बार फिर से वापस आई और उन्होंने विवाह फिल्म को साइन किया जिसे पूर्वांचल के लोगों ने खूब प्यार भी दिया। और अब पाखी अपने सोशल मीडिया के जरिए भी अपने फैंस से लगातार टच में हैं। पूर्वांचल और भोजपुरी जगत की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स और पल पल की खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पूर्वांचल लाइव को।